बाप दादा ने अंग्रेजों को ढोलक दिया है। हाँ। और क्या अंग्रेजों से? कितनी ढोलक छिनवा लिया अंग्रेजों से। एक ढोलक बनाने में कितना दिन लगता है? एक ढोलक बनाने में पूरा एक दिन लग जाता है। अंग्रेज लोग आपके यहाँ से ढोलक छीन ले। हमारे बाप हम आपको कहानी बताते हैं। ये जो है ओरिजिनल खाल है ये। संगीत में जो है बकरी की खाल चली, कोई जानवर नहीं यूज होता है। ये ढोलक आपने बनाया? ये हमने बनाया। अच्छा, और लागत कितनी होती है? एक ढोलक में लागत 300 रुपया लगती है। और बेचते कितने का है आप लोग? बेचने का 350 है, 550 है, 450 एक ढोलक। राइट, गुड गुड, बिल्कुल बहुत अच्छी। हमारे दिल की बात आपने छीना, बिल्कुल सही बात है ये। मित्रों, इस वक्त हम हाजीपुर में है और हमारे पीछे कुछ कारीगर जो है ढोलक बनाने का कार्य कर रहे हैं। हम रास्ते जा रहे थे और अचानक इनकी कलाकारी को देखकर, इनके इस हुनर को देखकर, इनके इस व्यापार को देखकर हम रुक गए और हमने सोचा कि आखिर इनसे जाना जाए कि ढोलक बनता कैसे है और ये लोग कहां से आए हैं। क्योंकि बिहार की राजधानी पटना से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर हाजीपुर में ये सड़क किनारे जो है अपनी कारीगरी दिखा रहे हैं। इधर विभिन्न प्रकार के ढोलक जो है साइज के हिसाब से रखे गए हैं और यहां से लेकर वहां तक जो लोग हैं वो ढोलक बनाने का कार्य कर रहे हैं। हम ढोलक के बारे में चर्चा करें, लेकिन उससे पहले चाचा कहां से आए आप लोग? हम लोग लखनऊ उत्तर प्रदेश से। अच्छा, तो आप हमारे बगल से, हमारा घर अयोध्या हुआ। अच्छा अच्छा भैया, वही अयोध्या, वही जिला बाराबंकी, घर बड़ा गांव मसौली हमारा है। अच्छा, मसौली बाराबंकी सावा हो। तो बढ़िया है। मजा है या नहीं है? अब भैया मजा है, पेटा रोटी चल रही है और क्या। रोटी पानी चल रहा है? रोटी पानी चल रहा है। तो उधर लखनऊ की तरफ नहीं बिकत का? नहीं बिकत है, ऐसी बात नहीं है, वहाँ भी बिकता है, मगर वहाँ घूम घूम के दिल उचट गया है, तो इधर अब थोड़ा घूमने के लिए आए। मतलब वहाँ से जो है मन भर गया तो इधर चला आयो? इधर चला आया। मन उधर से भर गया, एक टाइम यहाँ चला आया। हाँ यहाँ चला है तो भैया हमें अच्छा लगे लगा। खैर, बिहारो यहाँ बढ़िया है, बढ़िया सिटी, बढ़िया अच्छे आदमी है, अच्छे लोग हैं यहाँ पे। हाँ, बिहार मानते हैं, प्यार सम्मान करते हैं। हाँ, प्यार सम्मान करते हैं, कोई गरीब आदमी की बिहार में मुंह नहीं लगता, अच्छे से अच्छे आदमी रहते हैं, बढ़िया से बढ़िया है। अच्छा, ये बताइए ढोलक जो है वो कब से बना रहे हैं आप? ये भैया बहुत जमाने से बना रहे, बीते जमाने से हमारे बाप दादा बनाते आए हैं। बाप दादाओं ने भी बनाया? बाप दादा ने अंग्रेजों को ढोलक दिया है। और क्या, कितनी ढोलक छिनवा लिया अंग्रेजों से, छीन लिया कितनी ढोलक ने अंग्रेजों ने, ले जाते थे ऐसे ही। अंग्रेज लोग आपके यहाँ से ढोलक छीन ले? हमारे बाप दादा, हम आपको कहानी बताते हैं, बोले बेटा ब्रिटिश का जब राज था, हम 5-6 ढोलक जब बनाते थे तो घर के अंदर से हमारी ढोलक ले जाते थे बजाने के लिए। वो अंग्रेजवा सब साला वैसे भी चोट्टा था, वैसे चोट्टा है, फिर चोर था वो भी, फिर भी वो भी आ जाते हैं तो हमारे देश में उसको सपोर्ट करते हैं। हमारा दिल बड़ा है, हम सब दे देते, सब दे देते, सही बात। चोट्टा चुराने का काम करता था और तो पूरे देशों को लूटा है, तो पूरे देशों को लूट दा रहा है, सबको अच्छे से अच्छे आदमी लूटा है। जब 2 साल हिंदुस्तान को लूटा उनने, वो पूरे देश को लूटा, तो हमको लूट लिया तो क्या बड़ा किया? क्या बड़ा, तो राजा तो लूटे जाता है, हिंदुस्तान तो राजे में लिखा, बादशाह में लिखा जाता है, बादशाह तो लूटा जाता है। अभी लखनऊ के तरफ से रहने वाले लोग नवाबी होते हैं, नवाब होते हैं, पूरा हिंदुस्तान ही नवाब है। ये ढोलक आपने बनाया? ये हमने बनाया। अच्छा, ये ढोलक बनाने में कितना दिन लग गया आपको? ये भैया 5 ढोलक बनाते बनाते भैया 5 दिन लग गया है। जिस ढोलक बनाने में 5 दिन लग, 5 दिन लगे, कम से कम 2000 रुपया खा गए, 1000 रुपए की लागत लग गई। मतलब एक ढोलक बनाने में कितना दिन लगता है? एक ढोलक बनाने में पूरा एक दिन लग जाता है। और लागत कितनी होती है? एक ढोलक में लागत 300 रुपया लगती है। और बेचते कितने का है आप? बेचने का 350 है, 550 है, 450। एक ढोलक में 100 रुपया, 200 रुपया, 150 रुपया मिलता है। इतना मेहनत करते हैं, इनके पास कोई रैन बसेरा नहीं, ये लोग ठंडी में इतना मेहनत करते हैं, दिन भर में एक ढोलक बनाते हैं और एक ढोलक को बनाने की कीमत लगभग 350 रुपया और ये लगभग 500-600-700 रुपया में ही बेचते हैं। लेकिन यही ढोलक जब बड़े बड़े मॉल से खरीदिएगा, बड़े बड़े शोरूम से खरीदिएगा तो 2500 का, 3000 का, 4000 का, 10000। राइट राइट, गुड गुड, बिल्कुल बहुत अच्छी। हमारे दिल की बात आपने छीना, बिल्कुल सही बात है ये। अच्छा, इसको थोड़ा बजा कर। हाँ, ये लीजिए। देखिए कितना बढ़िया मधुर धुन है। अब भैया जो है अभी क्या करा जाए, बस अपनी जिंदगी काट रहे हैं। ये बताइए, ये सब सिस्टम लेकर चलते हैं? ये सब सिस्टम लेकर चलते भैया। ये आप लोग जो है एक जगह स्थिर नहीं रहते? एक जगह स्थिर नहीं रहते, पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं हम, पूरा जैसे महाराष्ट्र हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, और केरल हुआ, कर्नाटक हुआ, ये सब पूरा अपना बिहार हुआ, ये जितना बंगाल, झारखंड, जितना हिंदुस्तान प्रांत है वो सब प्रांत में जाते रहते हैं हम लोग। अच्छा, ये बताइए जो है ये ढोलक की लकड़ी वकड़ी कहाँ लेते हैं? ये वहीं सब मिलता है। ये किस चीज की लकड़ी? ये कोई कटहल का है, कोई आम का है। और इसको मतलब कैसे कैसे बनाते, थोड़ा बनाने की विधि बताइए। ये हम नहीं बनाते, मशीन से बनता है, हम बना बनाया लेकर आते हैं, ये मशीन से बनता है। ये इधर कुछ ये काम कर रहे हैं, इधर भैया कुछ काम कर रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं?
ढोलक का चमड़ा में। अच्छा ढोलक का ये चमड़ा साइड वाला, हाँ। तो ये किस चीज का है? बकरे का चमड़ा है। अच्छा ये बकरे का चमड़ा? हाँ बकरे, सच में बकरे का। तो ये मतलब ओरिजिनल है? ओरिजिनल है ये, कोई इसमें जो है मिलावट नहीं है? कुछ नहीं मिलावट है, ये बकरे का चमड़ा है। ये ओरिजिनल चमड़े में पानी में डालने के बाद ये नरम हो जाता है और सूखने के बाद जो होता है एकदम कड़क हो जाता है, टनाटन बसता है। ये जो है असली ओरिजिनल खाल है। एक पूरा उठा जरा, पूरा ऊपर वाला पूरा उठा दो, एक पूरा। हाँ। ये जो है ओरिजिनल खाल है ये। हाँ। संगीत में जो है बकरे की खाल चली, कोई जानवर नहीं यूज होता है, सिर्फ कोई और नहीं, कोई और जानवर का खाल नहीं, जानवर नहीं, सिर्फ बकरे का है। इतना का है, गमकता है। अब भैया क्या करे, पता नहीं बकरा नहीं, पता नहीं कौन सी खता क्या, जो इंसान तक उसका चमड़ा भी काट के खा लेता है, ढोलक चमड़ा बना देता है। तो ये जो है बकरे का चमड़ा है? हाँ, दोनों तरफ साइड में? हाँ दोनों साइड में लगता है। एक चीज ये बताइए, बैठिए थोड़ा सा, एक जानकारी चाहिए। बड़े दिन से मन में सवाल था कि इधर दूसरा आवाज निकल रहा है, ये देखिए, और इधर जो है थोड़ा और पतला आवाज निकल रहा है। ये नर मादा है, एक तरफ ताल रहता है और एक तरफ धोसा रहता है। इधर इस साइड में जो है मसाला लगता है, इसके मसाला अगर नहीं लगेगा तो पूरा संगीत जो है बेकार हो जाएगा। जो मसाला इधर मोटा आवाज है तो इधर मसाला लगा, इधर मसाला लगता है, तब जाके सुर ताल समझ में आता है कि कौन नर है कौन मादा है, तब आदमी जाके संगीत जाके अपना वो अपना इस्तेमाल करता है। ये अंग्रेज के जमाने से ये ढोलक बना रहे हैं, आजादी के पहले से ये लोग ढोलक बना रहे हैं, इनके बाप दादाओं ने ढोलक बनाने का काम किया और इनसे अंग्रेज लोग जो है ढोलक लूटने का भी काम करते थे। काम करा हमारे बाप दादा, बताते थे कहानी, बेटा ऐसी बात ऐसे ले जाते थे, चोर था साला, सब चोर था, चुट्टा था वो अंग्रेजवा, मगर हमारा देश बादशाह था, वो बादशाह को लूटते थे। पहले भी राजा थे, आज भी राजा है और कल भी राजा रहेंगे हम, और ये सब लूटने वाले लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे। इतने तो हम लोग कुत्तों को खिला देते, कुत्तों को खिला देते हैं, बिल्कुल सही बात। सिर्फ देने के लिए है, लेने के लिए नहीं है, सिर्फ दान करता है। हम पहले भी सोने की चिड़िया थे, आज भी हमारे पास सोने की चिड़िया जैसा दिल है और रहेगा। है बिल्कुल सही बात की, कोई कह नहीं सकता है। हिंदुस्तानी के दिल में, सबके दिल में बहुत रहम रहता है। देखिए मित्रों, ये लोग अपनी हुनर को, अपनी कलाबाजी को, अपने कारीगरी को जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। इधर ये तमाम लोग जो है अपने जो कारोबार है उसको तो बढ़ा रहे हैं, साथ में ये बता रहे हैं कि हमारे अंदर जो हुनर है उसका जो है हम लोग प्रयोग करके महीने का अच्छा खासा इनकम करते हैं। कुछ मैंने ढोलक देखा, वो बड़ा प्रोफेशनली होता है, इससे भी थोड़ा महंगा होता है। वो क्या है, वो जो अगर लगाया जाता है वो सिर्फ ये जो है क्या 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 इसमें बोल्ट लगता है, इसको बोलते हैं हम लोग बोलते चाबी वाला बोल्ट वाला चीज। ये दो किस्म का रहता है, एक किस्म का ये बनता है आगे, ये वाला है इसका, ये और ज्यादा प्रोफेशनल। हाँ ये सादा रहता है, इस पर ये लोहा लगा देते हैं। हाँ। तो कुछ ज्यादा ही क्वालिटी बढ़ जाती है इसकी कीमत। हाँ। कीमत बढ़ जाती है और भारी भी आ जाता है। हाँ। और मजबूत हो जाता है ये। हाँ। ये मतलब अच्छा होता है, जहाँ तक लेना चाहो तो ये अच्छा रहता है खास करके। हाँ। और रस्सी वाला बनाने के लिए इस पर क्या हाथ छड़ता नहीं है, किसी का हाथ फटता नहीं है। शादी पार्टी में ये जो वाद्य यंत्र बजाने वाले जो मास्टर जी होते हैं वो भी यही लेता है कि घर की महिलाएं बहने लेती है? घर की माँ बहने जो जितने हैं पूजा पाठ में मंडली में हर एक शुभ काम पर ये इसको लेते हैं। ढोलक आपने बजाया होगा, लेकिन ढोलक बनता कैसे है, कितनी मेहनत के साथ बनाया जाता है वो मैंने दिखाया। ऐसे खोखली लकड़ियां आती हैं, खोखली लकड़ी के ऊपर से जो है करते हैं। कलम करते हैं, इसके बाद डोरी बांधते हैं, चमड़ा लगाते हैं, ये मुंदरी लगाकर जो है टाइट करने वाला, फिर इससे बढ़िया से एक धुन निकलता है और वो धुन ये है। ये बढ़िया, अच्छा ये संगीतकार है, गाते भी हैं। वाह वाह, वाह बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, इधर तमाम जो रॉ मटेरियल है इनके पड़े हुए हैं। इन लोग का एक ही मकसद है कि मैं गली गली जाकर, गांव गांव जाकर, हर एक नए शहर में जाकर अपने इस हुनर को दिखाऊं और अपने इस ढोल को मैं बेचूं। हम लोगों का दायित्व बनता है कि इनसे ढोल खरीदे अगर आपको आवश्यकता है तो। ये कोई शोरूम में अडानी अंबानी के बेटे और अडानी अंबानी के घर से तो है नहीं कि इनका जो है ये ढोल शोरूम के अंदर बिकेगा। ये गरीब है और इनकी मदद जो है हम लोगों को करनी चाहिए ढोल खरीद कर। अगर आपको भी आवश्यकता है तो आप यहाँ आ सकते हैं। आसपास का लोकेशन ये कि सोनपुर का जो पुल है, जो गंडक पर ये पुल बना हुआ है, उससे जब आप पटना की तरफ आगे बढ़ेंगे तब आपको ये जगह जो है मिल जाएगी। सामने एक मैरिज हॉल है, उसी के सामने रेडिसन ब्लू आसियाना पैलेस के पास। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।